मध्य प्रदेश के देवास जिले के पुलिस लाइन मैदान में आज रविवार को पुलिस कर्मियों को हेलमेट का वितरण किया गया। एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया है कि एसपी संपत उपाध्याय के निर्देशन में पुलिस कर्मियों को हेलमेट का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि लगातार देखने में आ रहा था कि पुलिस कर्मी हेलमेट का उपयोग कम कर रहे हैं, ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, इसके चलते यह हेलमेट वितरित किए गए हैं और जो पुलिस कर्मी छूट गए हैं उन्हें भी हेलमेट दिए जाएंगे और उन्हें हेलमेट लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही आम लोगों को भी वह हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक करेंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय का ये काफ़ी समय से विचार था और जैसा कि ऑब्जर्व किया गया था कि पुलिस कर्मचारी हेलमेट का कम प्रयोग कर रहे हैं। पूर्व में दुखद घटनाएं भी इसमें हुई हैं, तो समझाइश भी दी गई है, साथ ही साथ आज उनको हेलमेट बांटे गए हैं। बरसात का मौसम है, उनको सख्त निर्देशित किया गया है कि हेलमेट का धारण करें, वाहन एक सीमित गति से ही चलाएँ और इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। थानों पे अन्य जो कर्मचारी रह गए उन्हें भी शीघ्र हेलमेट प्रदान किया जाएगा। ये ड्राइवर यहाँ पे पुलिस का ही है। सर, आम लोगों के लिए भी क्या हेलमेट के लिए प्रोत्साहित करेंगे? ये हमेशा से आम लोगों का सहयोग इसमें आवश्यक होता है। ट्रैफिक पुलिस हमेशा इसमें प्रयास करती है कि प्रत्येक नागरिक हेलमेट धारण करे और एक गति से ही वाहन का चालन करे। बरसात विशेष करके जो टू व्हीलर्स होते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और पुनः अपील है कि हेलमेट धारण करें और सुरक्षित रहें। देवास से ब्यूरो शिव अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।